हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैदराबाद वर्सेस चेन्नई के बीच में जो क्वालिफायर वन मैच होने वाला है, इस मैच के बारे में। तो ये मैच जो भी जीतेगा वो टीम जो है डायरेक्ट फाइनल में हो जाएगा। तो दोनों ही टीम जो है ये मैच जो है जीतना चाहेंगे। तो फ्रेंड, इस मैच के पहले हम लोग प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको आज जो है दो टीम देने वाला हूँ ग्रैंड लीग की, और आप चाहें तो उसे स्मॉल लीग पे भी लगा सकते हो। उसके बाद गिव अवे के बारे में बात करने वाले हूँ, यानी नेक्स्ट वीडियो के बाद जो कि फाइनल मैच से पहले जो मैच होगा। अभी हालांकि दोनों ही टीम कंफर्म नहीं है कौन से कौन कौन खेलेगा, तो उस मैच पे मैं आपको जो है गिव अवे जो है विनर का जो है डिक्लेरेशन कर लूँगा। तो उसके लिए आपको जो है, तो अगर आपको गिव अवे के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, जो मेरे वीडियोस पे लाइक कमेंट और जो ज़्यादा एक्टिविटी करेगा उनमें से ही मैं किसी 10 या 15 जो है लोगों को जो है मैं 1K का जो है डिवाइड करके दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए बात करते हैं इस वीडियो की, और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्लेइंग 11। तो प्लेइंग 11 आप जो है क्रिक बस पे देख सकते हो। हालांकि मेरी जो एप्लीकेशन है वो अभी मैं उस पर अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि जब नेक्स्ट टाइम मैं जब प्ले स्टोर में उसे अपडेट करूंगा तब जो है मैं फिर से उसे चालू कर दूंगा। तो फ्रेंड यहां पे देख सकते हैं जो प्रीवियस मैच से एक चेंजेस हो सकती है, वो हो सकती है शायद ब्रैथवेट की जगह जो है वो एलेक्स हेल्स आ सकते हैं, और शायद जो है रिदिमन शाह की भी जो चांसेस है थोड़ी बहुत हैं, लेकिन श्रीवास्तव गोस्वामी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर एलेक्स हेल ओपनिंग करते हैं तो श्रीवास्तव गोस्वामी जो है नीचे बैटिंग करने आएंगे, और अदरवाइज़ जो है मुझे लगता है एलेक्स हेल ज़रूर वापस आएंगे। इसके अलावा जो हम लोग बात करते हैं सैम विलिंग या फिर फैक डुप्लेसिस में से कोई एक खेलेगा, उन लोग उनकी जगह जो है सैम वाटसन को जो है मौका दिया जाएगा। तो फ्रेंड यही जो है चेन्नई की प्लेइंग 11 होने वाली है। तो हम लोग बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम के बारे में, और डिस्कस करते हैं आपके लिए बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 ड्रीम 11 में। तो मैंने यहाँ पे दो टीम बनाया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो टीम बनाया है, तो मैं आपको अंदर जाके ज़्यादा डिटेल्स पे नहीं बताता क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर बैटिंग पिच जो कि माना जा रहा है, तो अगर कुछ इस तरह का जो है बैटिंग स्ट्रांग होगा तो मैंने यहाँ पे जो है दोनों टीमों के जो मेन प्लेयर है इस टीम पे मैंने ले लिया है। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद की कैम्बुलेंसन, शिखर धवन एंड जो है मनीष पांडे, ये तीनों ही उनके जो है बैटिंग पे जो है अच्छे प्लेयर्स है। आप यहाँ पे शकीबुल हसन को भी जोड़ सकते हैं। वहीं पे चेन्नई की बात करें तो अंबाती रायडू, सुरेश रैना और MS धोनी, ठीक है। एक प्लेयर यहाँ पे मिस है जो है सैम वाटसन। तो फ्रेंड मैंने क्या किया है, मैंने जो है सेकेंड टीम पे मैंने अपने क्या क्या किया आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सैम वाटसन को ले लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कैम्बुलेंसन को नहीं लिया है, मैंने वहाँ पे उसे कैप्टन बनाया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइस कैप्टन यहाँ पे जो है शिखर धवन को लिया है, और वाटसन को कैप्टन लिया है। मैंने रैना एंड मनीष पांडे को रखा है, विकेट कीपर पर धोनी को लिया है। मैंने यहाँ पे यूसुफ पठान एंड एलेक्स हेल्स को ऐड कर लिया है, और यहाँ पे मैंने जो है शकीबुल हसन और रविंद्र जडेजा की जगह जो है मैंने ड्वेन ब्रावो को लिया है। और यहाँ पे मैंने मेरे जो है बॉलर्स को जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, जैसा कि शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार और राशिद खान को मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो फ्रेंड आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस टीम पे जो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर मिसिंग है मैंने यहाँ पे उसे इस टीम पे लिया है, और इस टीम पे अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो ये टीम ज़रूर अच्छा परफॉर्म करेगा। तो फ्रेंड इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप लोग जो है थोड़ी दिमाग लगा के टीम बनाइए और आप बहुत ही अच्छा जो है विन कर सकते हो। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।